जाओ यहां से। काट दूंगा तुम्हारे इंतजार में सिया, लेकिन जब तक तुम मुझे माफ नहीं करती मैं यहीं रहूंगा। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मरना जाऊं कहीं, तुझको भूल जाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके नैना, तुम्हारा इश्क है जो मेरी जिंदगी है, हमारा इश्क खत्म सियाही कर। रोके ना रुके नैना, देवी माँ को साक्षी मानकर मैं तुमसे कुछ वादे करने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कभी दूर नहीं जाऊंगा, तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। तुम्हारी सांसों के लिए मैंने मोहिनी के साथ सौदा किया था, मैंने एक रात के लिए खुद को मोहिनी को सौंपा था। हाथों की लकीरें दो मिलती जाए, जिसको पता है बता दे जगह वो कहाँ है। इश्क में जाने कैसी ये बेबसी है, धड़कनों से मिलकर भी दिल तन्हा है। दूरी मैं मिटाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके ना ना, परेशानी है? हाँ, इतनी बड़ी बात जो है परेशानी की। कैसी परेशानी? गुरुजी ने सब सही तो कर दिया है। तुम ना बिल्कुल के बिल्कुल बुद्धू हो, ऐसे ही चले जाओगे के? हाँ, क्यों, कुछ काम था? हाँ नहीं, मारा मतलब हाँ कुछ कहना था। साफ साफ कह दो ना। साफ साफ बात यह है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अच्छा ठीक, बल्कि तुमसे प्यार करती हूँ। क्या? एकदम सच, पर ये सरमायू से शकल ना देखनी मारे को। मारे को तो थारे दिल का हाल जानना है, तो बताओ प्यार करते हो मुझसे कि नहीं? दिल के बात बोलने में देर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिंदगी ऐसे मौके बार बार नहीं देती। जल्दी से हाँ बोल दे। अरे बोल भी दो कि तुम प्यार करते हो। हाँ बहुत। हाय मारे शर्मीले सिमरी। मैं कुरानी सा से तुम दोनों के रिश्ते की बात कर। माइंड ब्लोइंग। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। मजा आ गया।
हे देवी माँ, आज दशहरा है, आज के दिन हर बुराई जलकर राख हो जाती। प्लीज हमारे घर की भी बुराइयों को खत्म कर दीजिए ना। राम भैया और सिया भाभी के बीच की इस नाराजगी को दूर कर दीजिए। सालों से हमारे घर की जो शांति थी उसे वापस लौटा दीजिए। आज के दिन रावण को मारकर राम और सिया एक हुए, तो प्लीज हमारे राम सिया को अलग मत कीजिए। अरे काहे परेशान हो रहे हो, दोनों जब भूत भी बन जाएगी ना तभी भी एक दूसरे के पल्लू से चिपके रहेंगे। अभी दोनों कमरे से बाहर आएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आएंगे। अपनी बोल यू नो। रुक जाओ सिया, तुम ऐसे नहीं जा सकती यहां से। मेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। सिया ऐसा नहीं है, इस महल को घर तुमने बनाया है, ये जगह जो कुछ भी है सब तुम्हारी वजह से है। सिया, तुम सोल हो इस घर की, जिसे तुमने कब का मार दिया। अब ये जिंदा लाश इस घर के लिए किसी काम की नहीं है राम, सब खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है तो मिटाओ इस सिंदूर को, ये मंगलसूत्र हटाओ, तोड़ो उसको। इन दिखावटी चीजों से अगर तुम्हें तसल्ली मिलती है तो देते रहो खुद को सुकून, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये हमारे रिश्ते की परिभाषा नहीं है राम, सिर्फ उसकी निशानी है। रिश्ते की जमीन पर एहसासों की पकड़ होनी चाहिए, वरना नींव कच्ची रह जाती है। और जिस रिश्ते में प्यार का एहसास ही नहीं है, मैं उसका बोझ नहीं उठा सकती राम, इसलिए मैं फैसला ले चुकी हूं, मैं लंदन जा रही हूं। लंदन मतलब सौतन मन को मुझसे दूर ले जाएगी? नहीं नहीं, मन चला गया तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, मेरी सारी शक्तियां हमेशा के लिए छिन जाएगी। सिया तुम कहीं नहीं जा रही हो, मन भी यहीं रहेगा और तुम भी यहीं रहोगी, कहीं नहीं जाओगी तुम। तुम्हारे बोलने से मैं नहीं रुकूंगी राम, and I'm going. चलो मन। कुवरानी सा, कुवरानी सा, कुवरानी सा, देखिए जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, ऐसा ना हो कि आगे जाके आपको पछताना पड़े। कुवरानी सा, देखिए ना ये घर आपका और मन का तो है, आप कैसे यहां से जा सकती हो? और क्या ये मन के साथ सही होगा? कुबरानी साहब, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। और आज तो फिर दशहरा है ना, राम सिया के मिलन का दिन, तो आप अपने प्यार को कैसे हारने दे सकती है सिया भाभी? झुमरी, कई बार इंसान को उस रिश्ते से अलग करना पड़ता है जो उसे तकते हैं। कुवरानी साहब, अगर इस रिश्ते ने आपको दर्द दिया है तो इसे ठीक भी तो किया जा सकता है ना, आप लोग एक दूसरे से बात कर लीजिए और सब सुलह कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कुवरानी साहब, ऐसे मन को ऐसे लेके जाना ठीक है क्या?
मन भी तो चाहेगा ना कि उसे अपनी माँ और बाप दोनों का प्यार मिले। प्लीज मन मन अपनी रसगुल्ला को समझाओ ना कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। हाँ मन बोलो ना। बोल का एक बार नहीं मन की दो दो बार जानना चाहिए। हाँ। और मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। इनफैक्ट मैं देवी माँ से प्रे करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी याददाश्त वापस मिल जाए। लेकिन क्योंकि ये तुम्हारा मामला नहीं है इसलिए इससे दूर रहो। मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। मन मन समझाओ ना रसगुल्ला को कि तुम यहाँ से नहीं जाओगे। मन मैं रसगुल्ला के साथ ही जाऊंगा। रसगुल्ला के बिना नहीं रहने वाला मैं। पर एक बात बोलो रसगुल्ला, मैं बाबा से दूर नहीं रहता चाहता। हम तीनों साथ में रहते हैं ना, खजूर से इकट्ठी हो जाओ, मेरे कमरे में आ जाओ, उनसे बात भी मत करना, आपका मैसेज मैं उनको दे दूंगा। मुझे आप दोनों के साथ ही रहना है। अरे बाप रे, ये क्या नहीं नौटंकी मचा रखी है इन दोनों ने। अगर ये सौतन सच में मन को यहाँ से लेके गई तो मेरी जिंदगी खत्म। बिना मन के मर जाऊंगी मैं। नहीं, मुझे मन को जाने से रोकना होगा। I'm sorry, राम, पर हर बार सिया समझौता नहीं करेगी। हर बार सिया ही अग्नि परीक्षा नहीं देगी। हर बार सिया ही अपना प्यार साबित नहीं करेगी। बहुत कर लिया मैंने इस रिश्ते के लिए। अब और चलो मन। कुबरानी साहब बिल्ला सुनो ना, खजूर यहाँ पर रह के बोर हो जाएंगे ना, तो हम भी उसे साथ लेके चले। मत जाओ प्लीज। सिया के बिना राम कुछ नहीं है। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरी यह जिंदगी भी नहीं। अगर तुम वापस नहीं आई ना सिया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। वैसे आइडिया पूरा नहीं है। राणा सच में मर गया
तो पति की अर्थी को पीठ दिखा के तो नहीं जाएगी ना सौतन? मतलब इतनी हिम्मत तो है ही नहीं उसमें। सौतन को बाय नहीं, राणा को गुड बाय बोलना पड़ेगा। मन को छोड़ो राम। नहीं छोड़ूंगा, ये लीगली मेरा बेटा है, तुमसे ज्यादा इस पर मेरा हक है। सीरियसली, लीगल हक? जिस बच्चे को आज तक तुमने अपना नहीं माना, जिसकी कभी जिम्मेदारी नहीं उठाई तुमने, आज तुम उस पर कानूनन हक जमा रहे हो। रियली राम, थैंक यू सो मच अपना ये रूप दिखाने के लिए, अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए। अब तक तो मैं अंधी थी, लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। थैंक यू सो मच। तुम्हें जो समझना है समझ लो, मगर सच्चाई यही है कि मन मेरा बेटा है। और अगर तुम्हें इससे इतना ही प्यार है ना, तो यहीं पर रहो इसके साथ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग ठीक है, मुझे लगता है तुम्हारा खराब हो गया है। तब से एक बात समझा, समझ में नहीं आ रही तुम्हें? मुझे समझ। कितना तुम दोनों झगड़ा करते हो, बिल्कुल चुप, अपने मुंह पे उंगली रखो रखो। अब मैं बोलूंगा, आप दोनों सुनोगे। बाबा, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। सच्ची, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं रसगुल्ला से ज्यादा ही प्यार करता हूँ, इसलिए सॉरी। पर मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। एक बात बोलूं, आपका नाम खजूरी सही है। अरे बुद्धू, रसगुल्ला गुस्सा है ना, आप रोकोगे तो भी नहीं रुकेगी वो। आप मुझे अपने पास रोक लोगे तो अकेली हो जाएगी। फिर कौन डर रखेगा उसका? मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा उसका, ताकि वो जब आपको मिस करे तो मैं उसे हंसा सकूं, वरना रो रो के पतली हो जाएगी। इसलिए अभी जाने दो, फाइट मत करो। एंड आई प्रॉमिस, मैं हमेशा उसकी ध्यान रखूंगा। पक्का? मान, कर ली अपने बाबा से बात, अब चलना है या यहीं रहना है अपने लीगल बाबा के साथ? ओफो रसगुल्ला, आ रहा हूँ। बाबा, अपना ध्यान रखना, मैं अपना फेवरेट वाला टेडी बेयर छोड़ के जा रहा हूँ। मेरी याद है तो उसको पकड़ के सो जाना। चलो जाओ। बाय।